चलो देख, 8.3 देख रहे हैं, 8.3 पहले का तीसरा और 48 डिग्री माइनस साइन पैर, दूसरा है 10 26 डिग्री और दूसरे का पहला पार तीसरा पार जो सबसे पहले करेंगे। ये दिया है cot 48 माइनस sin 40, इसे हल करो। 48 का वैल्यू छोड़ो, 48 और 42 का लब है, cos का तो sin घटता नहीं, sin का sin घटेगा, cos का cos घटेगा। 90 वाली ऐसी विधि है जिसमें एक cos को हम sin में बदल दें। यस सर, sin 90 बनेगा कितना बराबर, cos थीटा बराबर है sin 90। कैसे याद करेंगे कि जब भी cos की जगह sin लिखेंगे को 90 से घटा दे, क्रिया की प्रतिक्रिया। भाई आपने cos को sin में बदला, तो फिर बैलेंस करने के लिए जो भी कोण है 90 में से घटा दे, चाहे तो आप इस सूत्र के हिसाब से समझ लीजिए cos थीटा बराबर sin 90, क्योंकि cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह अगर आप 48 डिग्री रख देंगे तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 48, ये लगा कोई दिक्कत इसमें, कॉस 48 जगह साइन 90 बना, कितना आ गया भाई, साइन 42 माइनस साइन 42 दोनों घटाओ कितना आ गया, ऐसे ही ऊपर नीचे टेन ऑफ पार्ट लिखें, दोनों के कोणों का योग कितना है 90, तो अगर कोणों का योग 90 है तो टेन ऑफ पार्ट में सूत्र है कोई 90 वाला, टेन थीटा बराबर टेन के आगे कोण लिखा है 26, कितना आ गया कॉट 64 आया, क्यों 90 में 26 बताओ, आप यहाँ पर टेन 26 की जगह लिख सकते हो, कितना कॉट 64 और कॉट 64 पहले से लिखा हुआ है, दोनों करके कितना आता है, ये वर्किंग है करते हैं, या कॉपी में साइड में लाइन खींचा करेंगे और उसमें ऊपर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ लाइन खींचोगे डायरेक्ट हो गए। यहाँ पर देखिए दिखाइए कि या सिद्ध करिए, ऐसी स्थिति में जाना इसको जीरो के बराबर सिद्ध करना है, आप क्या करेंगे एल एच एस cos 38 और बराबर माइनस sin 38, तो ऐसा करो दोनों को या तो इन cos को sin में बदल लो, ऐसा मत करना कि इन्हें sin में बदलो इन्हें cos में बदलो, नहीं सर वो चक्कर चल लगातार उसी में आप उलझे रहो, ठीक है दोनों को सेव कर दो, cos की जगह लिख दो sin और कोण को घटा दो 90, ऐसे इस कॉस की जगह साइन बाकी ऐसे उतार दो सब पूरा क्वेश्चन, तो साइन 90 माइनस 38 कितना हुआ, और साइन 90 माइनस 52 और दोनों को घटाओगे तो ये दोनों बराबर ही है, साइन हटते साइन बाबा साइन हटते साइन बाबा कितना आ गया जीरो, यहाँ सूत्र लिखो, सूत्र का प्रयोग हुआ है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये वर्किंग हमने यहीं पर करके दिखा दिए, जैसे यहाँ तो हमने पूरा मान निकाल कर दिखाया था, यहाँ पर हमने यहीं पर वर्किंग कर दी कि भी कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा की जगह लिख दिया 38, ठीक है आप चाहो ऐसे लिख देंगे कॉस 38 बराबर साइन
90 माइनस 38 और cos 52 बराबर sin 90 माइनस, ठीक है, ये आपका आ गया है। LHS बराबर RHS आगे देखते हैं। ये तीसरा चौथा पांचवा छठा इनमें से एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, आता है वैसे। हाँ सर, आया था इस वाले पेपर में, पहले हम देखेंगे छठा सवाल। छठे को हमसे कहा है कि a कॉमा b तथा c, और ये त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, तो इसका योग कितना होना चाहिए, फिर वो बाद में करेंगे क्या करना। इसके आधार पर हमें सिद्ध करना है तो दिखाने के लिए तो एलएचएस लेना पड़ता है। यस सर, और इसका मान कितना निकालना है हमें, तो b प्लस सी का मान आप देखो यहाँ से, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो b प्लस सी का मान कितना आ गया, 180 माइनस a, समझ गए हम, 180 माइनस a माइनस, अलग अलग कर लो उसको, 90 माइनस a बटे अब देखिए पांचवा, तो एलएचएस ले लेते हैं, एमसी के कंटिन्यूएशन में दिखाइए, नहीं नहीं एक मान निकालना है। यस सर, क्या कह रहा है, जहां फोर है उन कौन है, एक मान निकालना है। Yeah.
अभी ऐसे याद रख लो दोनों बराबर होंगे तो पाँच से पाँच कैंसिल कर दो। ए वाले एक तरफ बाकी एक तरफ प्लस बीस बराबर ए प्लस जहां पर सूत्र लगाएंगे वहां पर सूत्र आप साइड में दिखाएंगे कि कौन सा सूत्र प्रयोग किया है, इसके नंबर होते हैं, नोट कर लीजिए।